इस दुनिया में लोग कहते हैं आई एम योर क्लोज फ्रेंड, मैं आपका सबसे करीबी मित्र हूँ। ये मेरा सबसे करीबी है, ये मेरा दिल के करीब रहता है, बहुत नजदीक है ये मेरे दिल का। लेकिन बताइए, क्या वास्तव में वो आपके दिल के सबसे करीब है क्या? संसार में आपके हृदय के सबसे कोई करीब है वो है भगवान। अरे एक बात बताइए, हमारा पुत्र होगा तो अधिक से अधिक हम उसको अपने गोद में बिठा सकते हैं, अपने हृदय से आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। अब बताइए, इससे अधिक नजदीक और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है बताइए? कोई इससे अधिक नजदीक हो सकता है क्या? सबसे अधिक नजदीक किसी के हृदय में कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्णचंद्र, और कोई नहीं, श्री राधा माधव, और दूसरा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जो आपके सबसे नजदीक हो। कोई नहीं, माधव के सिवा इस संसार में और कोई नहीं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हो। दूसरा इस संसार में कोई है ही नहीं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम, सिर्फ और सिर्फ राधा माधव। राधा माधव आपके हृदय के सबसे नजदीक बैठे हुए, सबसे नजदीक कोई बैठा हुआ है तो वो कौन है? राधा रानी श्री कृष्णचंद्र, और कोई नहीं है। इस चीज का एकदम ध्यान रखिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है आज कि हम ऐसे हमारे हृदय के जो सबसे करीब है, जिनका वास हमारे हृदय में है, उनको भुला बैठे हुए हैं और कहते हैं तुम दिल की धड़कन में रहती हो। रे भाई, दिल की धड़कन में सिर्फ और सिर्फ भगवान रहते हैं, याद करिए। ये क्या मतलब है? भगवान के सिवा और कोई भी नहीं रह सकता हमारे हृदय में, कोई नहीं रह सकता। दिल हो अथवा हमारा बुद्धि हो, हमारा मन हो, भगवान के सिवा कोई नहीं रह सकता। लोग गाते रहते हैं ना, कोई मतलब नहीं। तो